साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास फोर साइंस। क्लास फोर साइंस में आप सभी का रिवीजन चल रहा था। रिवीजन में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1.2, जो आपका चैप्टर है वर्क एंड प्ले। आप लोगों को जैसा कि मालूम है, जब भी हम लोग लंबे समय तक काम हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग थक जाते हैं, है ना। और इस थकावट को दूर करने के लिए हम लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। वी गेट टायर्ड व्हेन वी वर्क फॉर अ लॉन्ग और डूइंग मोर डूइंग ओनली वन वर्क इन अ डे। एक ही काम पूरे दिन भर करते करते हम लोग थक जाते हैं। और वी नीड एन्जॉय टू फील फ्रेश अगेन, और हमें फिर से फ्रेश होने की आवश्यकता होती है। द फ्रेशनेस कैन बी फील इन बॉडी और माइंड थ्रू, ये हमारे कुछ एक्टिविटी जो करते हैं उससे हम लोग के शरीर में फ्रेशनेस आती है। जैसे विजिटिंग जू, जू के लिए विजिट कर जाएं, या बुक पढ़ें, कहानी वाली किताबें, या प्लेइंग गेम्स, कुछ गेम खेल ही लिया, या गाना गा लिया, या डांस कर लिया, सिंगिंग एंड डांसिंग, ये सारे के सारे हमारे वर्क जो है हमें इन्जॉयमेंट देते हैं, इसमें हमें मज़ा आता है। एट होम वी इन्जॉय लिसनिंग स्टोरी फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, घर में हम लोग अपने दादा दादी से कहानी सुनना पसंद करते हैं। प्लेइंग लूडो, लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, और क्या खेलते हैं हम लोग, कैरम खेलते हैं, और कंप्यूटर और वीडियो गेम्स भी हम लोग पसंद करते हैं। दीज गेम्स विच आर प्लेड इन साइड हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम, जो गेम घर के अंदर खेले जा सकते हैं, जैसे कैरम हो गया, कंप्यूटर गेम हो गया, वीडियो गेम हो गया, ये सब घर के अंदर खेले जा सकते हैं, इन सबको इंडोर गेम कहते हैं। वेन वी असेंबल इन अ नियर बाई फील्ड वी प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी, तो कुछ ऐसे भी गेम होते हैं जिसके लिए हमें बड़े ग्राउंड की आवश्यकता होती है, हमें कोई बगल के ही बड़े से ग्राउंड में खेलना होता है। ये गेम हो गए आपके क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी, ये सारे आउटडोर गेम हो गए, क्योंकि इनको खेलने के लिए बड़ा ग्राउंड की आवश्यकता होती है, बड़े ग्राउंड की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, स्कूल, एट स्कूल वी प्ले बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस इन प्ले पीरियड। आवर फिजिकल टीचर हेल्प अस टू नो द रूल ऑफ प्ले, यानी खेलने के नियम जो है हमारे, वह गेम के टीचर हमें बताते हैं, गाइड करते हैं कि किस से गेम खेलना चाहिए। ही ऑलवेज टॉक अबाउट फेयर प्ले, वह खेल, अच्छे खेल के बारे में हमें सिखाते हैं। प्ले, फेयर प्ले इज रेफर टू, मैंने फेयर प्ले में आता है क्या क्या बातें आती हैं। गेम शुड बी प्ले अकॉर्डिंग टू रूल, सबसे पहली बात यह है कि जो खेल खेला जाए वह रूल के अनुसार खेला जाए। ओपिनियन ऑफ रेफरी और कोच शुड बी एक्सेप्टेड, यानी कोच या रेफरी जो आपको भी इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं या जो बातें कह रहे हैं उनको आपको फॉलो करने हैं। एडमिट ऑन मिस्टेक, अपनी गलती महसूस कीजिए, यानी कि अपने गलती जो आपने किया उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। रिस्पेक्ट अदर प्लेयर, और दूसरे भी प्लेयर्स का सम्मान करना चाहिए। इफ़ यू फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ फेयर प्ले वी विल लर्न लाइफ स्किल, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड टॉलरेंस, तो हमें अगर हम अच्छा तरह से गेम खेलेंगे तो हमें गेम से कुछ शिक्षा वाली बातें भी मालूम चलती है। वो शिक्षा वाली बातें हैं ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड टॉलरेंस। फ्यू प्रिकॉशन भी हमें चाहिए, कुछ प्रिकॉशन खेल में हम लोग को रखने चाहिए, वो क्या है, प्लेइंग ड्यूरिंग प्ले टाइम, यानी खेल के समय ही खेलना है। डोंट प्ले नेगलेक्टिंग योर स्टडी, अपने पढ़ाई को नज़रअंदाज करके खेलना नहीं चाहिए। Ask your parents before you leave from your home for playing any outdoor game.
कोई बाहरी गेम खेलना है, बाहर जाके खेलना है, तो अपने माता पिता से आप आज्ञा अनुमति प्राप्त कर लीजिए। ड्यूरिंग प्ले नेवर डिफ्रेंशिएट योर प्लेमेट ऑन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। रिलीजन और कास्ट को लेकर के अपने साथ में खेलने वाले प्लेयर को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसका नाम बदल के या उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए जिससे उसको बुरा लगे, उसके धर्म के बारे में, उसके जात के बारे में उसको गलत नहीं कहना चाहिए, ऐसा ये अच्छी बातें नहीं कहलाती है। फेस्टिवल ब्रेक आवर मोनोटोमी एंड एंथुसियाज अस टू लीड हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ। तो फेस्टिवल क्या करता है, हमारे जीवन के उबाऊपन को हटाता है और हमारे जीवन में हर्षोल्लास जो भरता है, ठीक है। वी एंजॉय फेस्टिवल, हमें एंजॉय करना चाहिए फेस्टिवल अलोंग विथ आवर फैमिली मेम्बर, हमारे घर के मेम्बर्स के साथ हमें एंजॉय करना चाहिए, एज वेल एज विथ आवर सोसाइटी, और हमारे सोसाइटी के लोगों के साथ भी हमें एंजॉय करना चाहिए। आज की पढ़ाई में इतना ही, कल के रिवीजन में हम लोग कुछ टॉपिक आपका रह गया उसको कराते हुए क्वेश्चन आंसर का आपका रिवीजन मैं करा दूंगा, और आपको आज के टास्क में एक कार्य करना है, आपको रिलीजियस फेस्टिवल जैसे दीपावली, होली है ना, ईद, ये सब का नाम लिखना है, और आपको ये भी पता करना है नेशनल फेस्टिवल कौन होते हैं, उन सब का भी नाम पता करना है। आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।